अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। अभी मैं यूनिवर्सिटी से वापस घर के जा रहा हूँ, तो हम ऐसा ऐसा मौसम बहुत अच्छा है मेलबर्न में, चलते जा रहे हैं तो कुछ देर तक हम इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बैक साइड है, काफ़ी देर की वॉक के बाद अभी भी हम यूनिवर्सिटी के एरिया में से बाहर नहीं निकल पाए, बहुत बड़ी तो कह नहीं सकते, वॉक कर रहे थे इस वजह से टाइम लगा। अभी हम जा रहे हैं उस साइड पे मेलबर्न सेंट्रल, मेलबर्न सेंट्रल से हम ट्रेन पकड़ेंगे और अपनी रहाइश की तरफ जाएंगे। उससे पहले आपको कुछ दुकानें दिखाएंगे, उनमें खाने पड़े होंगे मज़े मज़ेदार। पहले तो बात वो हलाल या हराम का मसला तो होता ही है, लेकिन हम पसीन आज खा नहीं सकते, आज हमारा पहला रोज़ा है। आहिस्ता आहिस्ता हम मेलबर्न सेंटर की तरफ आ रहे हैं, आप मेरी तरफ देखते जा रहे हैं, मैं आपको इर्द गिर्द नहीं दिखा रहा, इसलिए आप अब देखते जाएं मुझे मेलबर्न में वॉक करते हुए। देखिए साइकिल की लादा लेन बनी हुई है यहाँ पर, लोग लादा से बात कर रहे हैं, मतलब ये तो सिटी का एरिया बहुत ही क्राउडेड एरिया है। अभी तो जैसे कह सकते हैं कि मौसम बहुत ही मीठा है, मीठा मज़ेदार, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, ना सर्दी लग रही है और ना ही गर्मी। बस वो मेरा लगा सीन है, मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, मैंने जैकेट पहनी हुई है। अभी हम जाएंगे उस तरफ, वो सामने स्टारबक्स है, ये देखें इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इशारा खुल गया अपना, वो देखें ये ग्रीन हो गया, गाड़ी तो आया करी है इसको, ये आ गया इधर, ये स्टारबक्स है। इधर अगर इधर से ऊपर चलेंगे तो हमें दुकानें नज़र आएंगी, मैं जा खाने इधर खाने पड़े हुए, और जो पीछे स्टारबक्स चलता हुआ आ रहा है ना, जो स्टारबक्स ने कॉर्नर तो अपना देखा, कॉर्नर किसी और दुकान का नहीं गया, फिर ये स्टारबक्स स्टार्ट हो गया। क्रॉस करो इसका, हम किसी और चीज़ को डिस्कस करते हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, ट्रेन पकड़ेंगे, और नमाज का टाइम हो गया था, लेकिन अब आगे रोज़ा भी खोलना जाके, तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ घर, जाऊँगा तो उधर जाके नमाज़ पढ़ लूँगा, टाइम होगा तब नमाज़ का, घर जाके नमाज़ पढ़ लूँगा। नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह एक घंटे बाद दरवाज़ा खुल जाना, फिर दरवाज़ा स्टार्ट करेंगे। ये देखें हम मॉल में आ गए, इस मॉल में से गुजरते हुए हमने, मॉल नहीं कहते इसे, ऐसे शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर का नाम ही मेलबर्न सेंट्रल है, और इस शॉपिंग सेंटर के नीचे जाके सबवे, सबवे स्टेशन है जिससे हम बैठ के जाएंगे घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए आपको कुछ शॉर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा ट्रेन के बैठ के, आज मौसम इतना प्यारा था इसलिए मुझे भी दिल कर कैमरा निकाल के कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ। देखिए एक बार स्टेयर से नीचे उतरे, बहुत रश है, बहुत रश है, तंग कर सकती है, सॉरी। अब हम इधर से नीचे चलते जाएंगे, बहुत रश है। इधर हम लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाते हैं जिसने खड़े होना है, और इसने जल्दी से जाना है, वो राइट साइड से नीचे चले जाते हैं। इधर साइड पे इन्होंने मेंशन किया था कैसे जाना है, ये आ गया कोल्स,
इधर से हम अभी कार्ड लगा के नीचे जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और चले जाएंगे हम अपने ट्रेन में। हम आगे हैं, अभी दो बार नीचे आए हैं, अभी और नीचे जाना है जैसे नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा नीचे जाने वाला है, ये बहुत तेज़ है। देखिए आप राइट पे खड़े हैं तो आपने जल्दी चल के नीचे जाना है, अगर आप राइट पे खड़े हैं और रुके हुए हैं पीछे आने वाले को रास्ता देना है, तो ये प्रायोरिटी है चलने वाला। ये आ रही है टेंडिनोंग एक्सप्रेस, इस पर बैठ के जाना है, इस पर बैठ के जाना, 5 मिनट में आ रही है ट्रेन, आती है तो फिर ट्रेन का आते रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेन आ रही है उधर से, ये 1 मिनट का बता रहा है, अभी आएगी थोड़ी देर रुकेगी, हम बैठेंगे और चल जाएंगे और सारा टाइम काउंट करके ऊपर लिखा हुआ है, ट्रेन रुकती है साथ ही सारे एकदम कनेक्ट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी कहते हैं ना इसे, अब आवाज़ ना शायद आ रही हो मेरी, यहाँ पर एक जगह पे एक वक्त में तकरीबन 100 से ज़ायद नेशनैलिटीज़ रहती हैं। ये देखें मैं ट्रेन में एंटर कर, इधर अभी हम ट्रेन में बैठेंगे, बैठ गए वो मेलबर्न सेंटर से बैठे हैं, वहाँ पे हमें जाना है इधर से पीछे की तरफ, अभी पूरे घंटे की ट्रेन में बैठे रहेंगे, तो मैं इधर से लेफ्ट साइड से टाइम लॉस का टाइम लैप्स शूट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, रात के लिए इतना ही था सफ़र, जी मैं अपने स्टेशन पर पहुंच चुका हूं, आज का सफ़र इतना ही था, फिर कभी मुलाकात होगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।